हमें कभी एक जगह से दूसरी जगह जाना हो तो हम यात्रा के लिए सबसे पहले ट्रेन के बारे में सोचते हैं, क्योंकि ट्रेन को यात्रा के लिए सबसे सस्ता और आरामदायक साधन माना जाता है। लेकिन इन ट्रेनों के निर्माण में मुश्किल भी उतनी ही होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ट्रेन का बनाने में कितना खर्च आता है और इन्हें कैसे बनाया जाता है और इन्हें बनाने में कितना स्टील, कितना एल्युमिनियम और कितना लोहा लगता है और इन्हें हमारे देश में कहाँ कहाँ बनाया जाता है? तो चलिए जानते हैं। देश में भारतीय रेलवे के पास कई फैक्ट्रियां हैं जो कि कोच और इंजन का निर्माण करती हैं, जिनमें चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स, चितरंजन डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, वाराणसी इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, चेन्नई रेल कोच फैक्ट्री, कपूरथला रेल व्हील फैक्ट्री शामिल हैं। इन रेलवे कोच फैक्ट्रियों में हर साल रेलवे की मांग के अनुसार ट्रेन की कोच का निर्माण होता है और इन फैक्ट्रियों में यात्रियों की बढ़ती जनसंख्या के कारण हर साल इन फैक्ट्रियों में हजारों कोच बनते हैं। 1986 में कपूरथला फैक्ट्री में 30,000 से अधिक यात्री कोच का उत्पादन किया गया। यह फैक्ट्री हर साल 1,000 कोचों का उत्पादन करता है। भारतीय रेलवे के 35% कोच यहीं बनते हैं। चेन्नई स्थित इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ICF दुनिया की सबसे बड़ी कोच निर्माता कंपनी है। ट्रेन के कोच का बाहरी हिस्सा स्टेनलेस स्टील से बना होता है, जबकि कोच के अंदर का हिस्सा एल्युमिनियम का बना होता है। ट्रेन के डिब्बे को बनाने में काफ़ी खर्च आता है। एक AC कोच को बनाने में 3 से 4 करोड़ रुपए, स्लीपर कोच को बनाने में 1.5 करोड़ रुपए और जनरल कोच को बनाने में 1 करोड़ रुपए का खर्च आता है। एक ट्रेन में 24 डिब्बे होते हैं और इनका हिसाब लगाया जाए तो एक ट्रेन के निर्माण में 80 से 90 करोड़ का खर्च आता है। और ट्रेन के इंजन की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा खर्च ट्रेन के इंजन को बनाने में आता है। डुअल मोड लोकोमोटिव इंजन को बनाने में 18 से 20 करोड़ रुपए का खर्च आता है और 4500 हॉर्स पावर के डीजल लोकोमोटिव इंजन का खर्चा 14 से 15 करोड़ रुपए का आता है। आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो। तो इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों से शेयर करें और कमेंट करें।